BS6 में आने के बाद ना गाड़ियों का दम सा टूट गया यार। ये फ्रेम भाई बहुत दिन से पेंडिंग था अपनी गाड़ी का है। तो वैसे इस रास्ते पे ट्रैफिक भी आपको ना के बराबर ही मिलेगा। एक वैली ब्रिज था फॉरेस्ट वालों का, ग्रीन और येलो कलर का, बह गया वो, निकल गया। ये अभी मेंटेनेंस में, बाकी नॉर्मली कभी देखने को बहुत कम मिलता है। कौन सी भूतिया टनल में ले आया भाई ये? बिजली कोई नहीं है, लाइट कुछ नहीं है, पैदल रास्ता सारा। मतलब 18 किलोमीटर का पैदल रास्ता, उसके बाद कुछ नहीं। वहां तक आज तक गवर्नमेंट ने बिजली तक भी नहीं बचाई। तो यूं कह ले एक तरीके से वहां हमारे ट्राइबल्स ही रह रहे हैं भाई। फाइनली आज हमारा चेकआउट का टाइम आ गया है। और भाई एक चीज ना, मुझे इस होटल की ना बहुत अच्छी लगी, ब्राधी रिजोर्ट, इनके देवता है उसके नाम पे, कि ना ये चेकआउट के लिए ना हल्ला नहीं मचाते भाई। सबसे पहले मतलब लाइफ में मैं इतने सारे होटल्स में जा लिया, मतलब लास्ट मोमेंट में ना कॉल आ जाता है, सर प्लीज चेकआउट कर लीजिए, ये नहीं करते भाई। कहते सर आप आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आपकी एक हो गई थी, ओके। और एक लव आज है बर्थडे, कल वाले ब्लॉग में हमने रात को सेलिब्रेट किया था। एक लव कितने साल के हो गए आप? 10। स्टाफ भाई होटल का बहुत प्यारा है, बहुत बढ़िया है, बहुत कूल एंड काम, बहुत ही बढ़िया। और ये किसी प्रकार का कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, कि यहाँ पे सोचो कि पेड प्रमोशन नहीं भैया, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। देखो जो चीज़ अच्छी होगी तो बतानी चाहिए ना, जो खराब हो वो खराब बता देनी चाहिए। बाकी फूड के मामले में मतलब, और ये भी एक चीज़ है कि हमने खाना भी लगभग यहीं ऑर्डर किया और यहीं खाया। एक्चुअली हमने ब्रेकफास्ट खाली कर रखा था इंक्लूड, बाकी हमने सारा अला कार्ट किया था। और रही बात अपनी गाड़ी की, तो गाड़ी भाई अभी देखेंगे सेंज में जाके वॉश कराएंगे, क्योंकि अभी हम पहले हम सेंज जाएंगे एंड फिर वहाँ से हम जाएंगे ईशानगढ़। बस मैंने तो ये किया था, खाली जो विंडशील्ड थी वो साफ कर ली थी, पूरी गाड़ी करने लगता तो भाई धूप ऐसे आ गई थी और 2 घंटे इसको लग जाते साफ करने में और टाइम इतना है नहीं। टेम्परेचर है बाहर अभी 31 डिग्री सेल्सियस और ट्रिप भी एज यूजल भाई हमारा 0 हो चुका है। तो ओडोमीटर से कैलकुलेट करते हैं भाई आज की जर्नी हमारी 32,098 किलोमीटर से। लो भाई सुबह सुबह परीक्षा हो गई हमारी तो यहाँ पे, बहुत ही टाइट सिचुएशन है। ORVM तो बंद ही करने पड़ेंगे भाई हमारे को। भाई अपना सामने है, बता तो नहीं रहा, एक बार इशारा किया बस निकल तो गई भाई, अभी पूरी निकली भी नहीं है। बहुत नाजुक एरिया भाई, दिखाऊं आपको? ये देखो ये बस बिल्कुल मेरे पास है, ओ भाई साहब जगह ना आया तो कुछ भी। एक बार बस क्रॉस हो जाए तो ORVM खोलूं। लची ओ हो इतना क्लोज कॉल से निकल के आए हम, ओ माई गॉड फाइनली निकल तो आए भाई। बस यही है भाई इस रास्ते पे ना, या तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ या लेट नाइट, नहीं तो भाई आपको यहाँ से सेंस तक जाने में ही मतलब वॉटर टनल तक मान लो लग जाएगा भाई 2.5 से 3 घंटे आराम से लगेंगे। हमें जाना है सबसे पहले लार्जी गेस्ट हाउस जाना है, वहीं पे अपने को गविश मिलेगा, फिर वहां से हम अपना आगे का रूट डिसाइड करेंगे। और अभिषेक भाई का भी फोन आया था कल, वो भी कह रहे थे मॉर्निंग में आता हूँ, भाई क्या करोगे, पहले 2.5-3 घंटे आप इधर चल के आओगे फिर उधर। अम्मा कोई नहीं अपन उधर आते हैं, अपन उधर ही मिलते हैं। कमाल है यार हिमाचल वाले लोगों को डर लगता है, पूरी एक गाड़ी निकल जाएगी। बीच सड़क में लगा के खड़ा था, बता यार हद है, मतलब मैं ना ले जाऊं उधर, माँ बेटा ले जानी तो पड़ेगी। ऐसे करते ही ले गया। कैमरा ऑन करते तुरंत भगाई से गाड़ी। कैमरे के तो बहुत फायदे हैं भाई, कैमरा ऑन करो सच्चाई बाहर लाओ। हाँ वही से तो कैमरा उठा लिया भाई, मैं चलू साइड में। और जो लार्गी का हमारा डिस्टेंस है हमारे यहाँ ब्राधी रिजोर्ट से, वो है भाई आपका 29 किलोमीटर, और उसके लिए अपने को लगने वाले हैं 1 घंटा 23 मिनट। इस ट्रैफिक से आप समझ सकते हो बिल्कुल भाई बस। और ये देखो आप कि ये नेशनल हाईवे 305 है, तब ये हालात है। अब एक बात वो भी है कि भाई ज्यादा ही कटिंग करोगे छटाई करोगे फिर वही बात है भाई रास्ते चौड़े करने के लिए। अब एक प्रोजेक्ट भी आया था यहाँ पे कि अपना जलोरी पास के लिए बना दो भाई वहाँ पे टनल, तो अभी यहाँ के लोग उसका विद्रोह कर रहे हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए टनल यहाँ पे, आप हमारा जैसा रास्ता वैसा ही रहने दो। और ठीक भी यार थोड़ा एडवेंचर भी रहना चाहिए, तो ये भी हाईवे हो जाएगा। फिर जो यहाँ का मजा है कि हाँ भाई मात्र 30 किलोमीटर के लिए लगते हैं भाई 2-2 घंटे, ये कैसे याद आएगा। फिर सामने बिग डैडी फंस गई भाई, मतलब बिग डैडी ने पूरा साइड में उतार रखा, ओहो पूरा लगेज वगैज रूफ कैरियर लगा के, पर इन्होंने तो यूनिवर्सल रूफ कैरियर लगा रखा है गाड़ी के ऊपर। अब ये जो गाड़ियां मुड़ रही है ना भाई, जाए जिमनी नीचे जा रही है, ये जा रहा है आपका GB वाटरफॉल की तरफ। हमारा तो अपना पर्सनल वाटरफॉल था जो हमने कल बहुत एंजॉय किया, हम तो एंजॉय करा है भाई। ठीक है चलो भाई चलो HR 42 गन्नौर वाले। और यहाँ पे भाई आप अपनी गाड़ी ना
जब ज्यादा स्टीप हो तो फर्स्ट गियर में और ऐसे नॉर्मल है तो अपना सेकंड गियर में लगा के बस छोड़ दो गाड़ी को अपना आप चलने दो। अगर आप ब्रेक दबा के चलाओगे ना तो ब्रेक भाई गर्म हो जाते हैं और फिर जब इमरजेंसी एक बार ब्रेक लगाने पड़ गए ना फिर ब्रेक नहीं लगते। कल मेरे साथ ऐसे हुआ था फॉर्चुनर में जब हम ऊपर जलोरी पास गए थे, फिर मैंने आके गणित निकाला, मैं हाँ ऐसे हुआ, मैं ब्रेक हो गई गर्म, ऑटोमेटिक गाड़ी थी इस करके। वैसे अगर आपके पास ऑटोमेटिक है उसमें ऑप्शन है मैनुअल में डालने का तो बेटर है आप उसको मैनुअल में डाल के ही चलाओ। बस ये आ गया भाई जेबी की मार्केट है, एटीएम भी मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, वाइन शॉप भी मिलेगी आपको यहाँ पे, केक शॉप भी मिलेगी, बट केक की उतनी वैरायटी नहीं मिलेगी जैसे आपको कुल्लू में या मनाली में जाके मिल जाएगी या जो अपने शहरों में मिलते हैं, लेकिन हाँ एक अच्छी बेकरी है गया था जिसपे मैं कल। और यहाँ से आपका देखो मनाली 98, रोहतांग पास 148, बंजार 8, कुल्लू 58। देखो भाई ये लोड की गाड़ी है और ये फंस गई यहाँ पे, ये बेचारी लोड नहीं ले पा रही। और वैसे तो रास्ता क्लियर है, अब जब ये निकलेगा तब उसके बाद भाई होगा। हाँ आगे तो क्लियर है, ये नहीं चढ़ पा रहा ना। हाँ और ये बेचारा अकेला है, कैंटर वाला भी अकेला ही है। हाँ ना, हालांकि जगह थी यहाँ पे, बस ये दम तोड़ की गाड़ी है SML स्वराज माजदा लिमिटेड BS6। BS6 में आने के बाद ना गाड़ियों का दम सा टूट गया यार, पोल्यूशन से तो बचाव कर रहे हैं हम, ठीक है, पर चलाने के मजे नहीं है। मैं क्या सोल्यूशन काटूँ, कंपनियाँ काटेंगी कि BS6 में जान वही पहले वाली बनी रहे और पोल्यूशन भी ना करेंगे। मौसम नहीं बन रहा, पीछे वाली गाड़ी पीछे कराओ, अभी बोल रहा है भाई उसको, आया था भाई वो कर रहा है पीछे, पीछे पिकअप है ना माँ भाई उसको, हाँ थोड़ा हवा से मोमेंटम बना लाया तो चढ़ जाए, यहाँ से तो दम बन ही नहीं रहा इसमें, दम फूला पड़ा इसका बिल्कुल भी, चले ना। ले आया भाई, ले आया, ले आया, ले आया, ले आया, ले आया। पूरा पंजा दाब दे बेटे, पूरा पंजा दाब दे, ले जा, शाबाश। चलो जी, क्लच की स्मेल बहुत जबरदस्त आ रही थी भाई, बहुत गंदी स्मेल। चलो फाइनली भाई की गाड़ी निकल गई, पर अभी जाम है भाई। 2 hours later भाई ऑलमोस्ट हमारे को 2.5 घंटे हो गए हैं चलते चलते, और सफर पता है कितना कंप्लीट हुआ है, मात्र 28 किलोमीटर। काफी जगह काम चल रहा है, काफी जगह चौड़ा करने का काम हो रहा है, जैसे देखो यहाँ भी कटाई कर रखी है, पर देखो भाई बहुत ज्यादा मतलब नैरो पैसेज है। बंजार जो है अंदर वहाँ भी बहुत जाम लगा था भाई, तो वहाँ पे भी अपने को काफी टाइम लग गया, पर फाइनली अब हम पहुँचने वाले हैं। ये रहा भाई गवीश यार, ये रास्ता है यार, है जगह इतनी बढ़िया, रास्ता बड़ा हुआ यार। अरे भाई बहुत ज्यादा, ये देखना 29 किलोमीटर गाड़ी चली है और कितनी देर में 2 घंटे 32 मिनट लग गए, एवरेज स्पीड दे 11 किलोमीटर पर आर की रही है। अब कुछ खिला दे यार, लंच करेंगे पहले, लंच करना पहले। हाँ चलो मैं बोल देता हूँ आशीर्वाद वाले कोई, चलो ठीक है। कितनी दूर है अब? आधा घंटा और चलना है, आधा 20 मिनट रखो। अच्छा खेच दे फिर। तो अब यहाँ से भाई गवीश ने हमारा रास्ता चेंज कर दिया है, ये थोड़ा ज्यादा सीनिक व्यू वाला रास्ता है और एक पहाड़ ऐसा आएगा जिसमें ना पूरी शक्ल बनी हुई है। गवीश ने मुझे फोटो दिखाई थी, बोला भैया इस वाले रास्ते चलोगे, हमारे इस पर पक्का चलेंगे यार। तो वैसे इस रास्ते पे ट्रैफिक भी आपको ना के बराबर ही मिलेगा, कौन सा है ये रास्ता वो भी मैं पूछ के बताऊंगा आपको गवीश से ना, बाकी मजेदार रास्ता है। बाकी भाई एक चीज देखिए, मैंने यहाँ तीर्थन वैली में ना ग्रीनरी बहुत है ना पूजा, बहुत ग्रीनरी है भाई, बस ट्रैफिक जैम से अपना सोच समझ के चलना भाई, एक्स्ट्रा टाइम लेके चलो, बस सीधी सी बात है ये। हाँ और वैसे एक बात है, मैं यहाँ जिम नहीं लेता तो और ज्यादा बढ़िया रहता है ना, छू शाह शाह निकल जाती तो मैं भी हो जाती ना, है ना। तो मेरे को स्कॉर्पियो में भी कहीं नहीं आई भाई ऐसी कहीं अपने, लेकिन जाम में थोड़ा हो जाता। हाँ थोड़ा और ये हो जाता है कि छू शाह करके निकल जाओ, बाइक वाला सीन हो जाता है भाई। नीचे जो वो ट्रक जा रहा है ना वो वाला रोड है लारजी से जो सेंज जाता है, और हमने लारजी से टर्न लिया था लेफ्ट जाते तो नेशनल हाईवे 305 ओट की तरफ जाएगा ना वो, है ना। और ये वाला जो रूट है गवीश ने बताया ये एस्केप रूट है, जब वहाँ इमरजेंसी रूट है ये, जब वहाँ पे भाई दिक्कत हो जाती है सड़क नहीं बचती तो फिर ये वाला रूट भाई यूज किया जाता है। और जो सारी तो भाई ये अभी जो पिछली फ्लड आई थी उसमें हुई थी ये, है भाई साहब देखना पूरी पूरी सड़क खत्म होगी, और इस पहाड़ के पीछे भाई पूरी टनल है इसके अंदर, और भी इसके अंदर भाई बिल्डिंग पूरी बना रखी है, पूरा सेंज को मतलब अंदर एकोमोडेट कर सकते हैं ये। अच्छा जी वाह, गवर्नमेंट ने काम तो कर रखा है भाई, ऐसी बात नहीं है। और ये है भाई वो पहाड़, क्या ना कुछ शक्ल दिखती है, एक बार यहाँ पे गाड़ी खड़ी करता हूँ और फिर फोटो क्लिक करते हैं।
बहुत बढ़िया चीज दिखाई भाई कविश, अनटच। और ये नीचे सेंज नदी, पिन पार्वती, पिन पार्वती है, ये पिन पार्वती है, मणिगण वाली पार्वती है। ओके, और इनका स्टार्टिंग 1 पॉइंट सही। ये फ्रेम भाई बहुत दिन से पेंडिंग था अपनी गाड़ी का है, फाइनली भाई अब स्कॉर्पियन का ये फ्रेम कंप्लीट हो गया। क्या मस्त पहाड़ है भाई, है परफेक्ट, मतलब कुदरत ना कुछ भी क्या बना देती यार, है क्या बात है। और जो इमरजेंसी एस्केप रूट बनाया गया था ना भाई, ये बनाया गया था आज से 10 साल पहले, 2013-14 में ये बना था ये, हाँ उसी के अराउंड बना था भाई ये। सही है यार, ऑल्टरनेट तो लेके चलना चाहिए, पता नहीं लगता कब क्या क्या हो जाए। भाई जीबी वाला रोड जितना ज्यादा बिजी था ना, उतना ही ज्यादा सुकून देने वाला ये रोड है। ट्रैफिक ही नहीं है भाई, बस हमारी 3 गाड़ियां चलती जा रही है, कोई ट्रैफिक नहीं है, मस्त मजे चलते हो। और रोड भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, अगर कोई गाड़ी आगे से आती भी तो आराम से क्रॉस हो सकती, गाड़ी आए या ट्रक आए जो भी आए, पर रास्ता बहुत बढ़िया है और ग्रीनरी बहुत जबरदस्त है। बस एक बात है, सारा उधर ही जाओ ना, इधर भी आना चाहिए भाई देखने के लिए ना, सेंज, शानगढ़, शानगढ़ आज हम जाएंगे, जी भी देखने वाली जगह है भाई, ये भी बहुत बढ़िया। अभी हम यहाँ सामने से आए थे लेकिन एकदम से गाड़ी घूम नहीं सकती, इसलिए आगे जाके गाड़ी घुमाई और अब यहाँ से चढ़ेगी गाड़ी ऊपर। ऐसे एडवेंचर वाले रास्ते तो मुझे ज्यादा पसंद है ना। अरे वाह, ये पहुंच गए जी भाई, अपन पहुंच गए भाई सेंज। एंड भाई सबसे पहले तो किया हमने भोजन, आंटी के हाथ का बनाया हुआ, बाहर रेस्टोरेंट में जाने नहीं दिया, इस महाराज ने बोला घर लेके चलूंगा, घर जाके खाना खाना है। और घर है जस्ट ये पीछे, ये वाला घर है वहां पे। एंड ये प्रॉपर्टी भाई सजेस्ट क्या की थी अपना गविश ने, बुक कराई थी भाई आशीर्वाद होम स्टे। हाँ एंड भाई देखो यहाँ पे गाड़ी आराम से बढ़िया पार्क हो जाती है। हाँ विराज भी कैसी लगी? अच्छी लगी। ये तो ना अनटच सी जगह है बिल्कुल, लोगों को पता नहीं है, या पता भी है तो लोग आते नहीं, है ना गविश? ऐसी अनटच जगह पे आना चाहिए, यहाँ ज्यादा मजा आता है ना। हाँ पीस बहुत ज्यादा है, शांति बहुत शांति है, वो देखो वो खड़ी हमारी शांतियाँ। आपको एक बार रूम टूर भी दे देता हूँ मैं, ये देखो भाई ये हमारी डुप्लेक्स हट है। ऊपर आऊँ? चलो भाई विराजवीर कह रहे ऊपर आओ, ऊपर दिखाओ, मैं यहीं से दिखा दूंगा, ये लो दिखा दिया मैंने। कार्स यहाँ लगा रखी क्या? ओके भाई जहाँ भी पहुंचता है विराजवीर अपनी कार्स लगा देता है। ये देखो भाई ये वॉशरूम है, बहुत साफ सुथरा, बिल्कुल नई प्रॉपर्टी है भाई। ताजी ये रहा एक बेड यहाँ पे, हाँ ऊपर सोना है बेटा, एक बेड ऊपर हो गया, एक्स्ट्रा बेड लगाने की जरूरत ही नहीं रूम में। और बहुत प्यारा लाइटिंग वाइटिंग भी अच्छी करके, बाकी रात को दिखाऊंगा आप। कूलर भी लगा रखा है, वैसे तो दिन में थोड़ी सी गर्मी हो जाए तो, बाकी शाम को मस्त हो जाएगा वेदर। चलो फिर एक दो मकान के नीचे से खारा लग गया, फिर मार्केट खाली कराई, सारी लोगों को बाहर निकाला। तो ये भी भाई हम सेंज में हैं, दो लेंटर अभी भी ऊपर है, वो तो ऊपर से गिरे हुए। हाँ जी ये देखिए यहाँ पूरा पानी बह रहा था, यहाँ से पानी था इस रोड से चलता था। कमाल है भाई, अब देख ले पानी का नामो निशान भी नहीं है, है? उस टाइम पे क्या तबाही आई थी, इसके साथ आ गया था ना? बिल्डिंग। अच्छा ये भी गिर गई, अच्छा ऊपर से भी पानी आया था क्या, वहाँ से भी चला ना पानी सारा? अच्छा ये 4 मंजिल बिल्डिंग थी, ये देखो ये जी सब गिर गया इसका तबाही। और ये भी शिफ्ट भी नहीं हुए थे लोग जो बना रहे थे, नई कंस्ट्रक्शन थी। कमाल है। अच्छा ये पत्थर उसी टाइम क्या रखे सारे? हाँ जी सारे। और ये जो अच्छा जो लोहे वाला ब्रिज है इसके ऊपर से पानी? ऊपर से पानी था, यहाँ था वैली ब्रिज, देखो जैसा बता रहा था ना वो। अच्छा यहाँ अबंडमेंट दिख रही है उसके, देखो सोचो उसकी हाइट और इस साइड कितनी हाइट थी। ओ भाई साहब ये जो एकदम स्लो करना गाड़ी, ये जो ढाबा दिख रहा है लाल दीवार वाला, इसकी खिड़की पे था डेंजर का निशान। तो हम जब यहाँ खाना खाने आते थे कई बार, तो यहाँ से दरिया मार को ऐसा लगता था 4 मंजिल नीचे, और अब देखो पानी उसके लेवल तक पहुंचा। ये तो मेरे ख्याल से टेम्परेरी बनाया रास्ता, टेम्परेरी है थ्रू करने के लिए, सब मार्केट वाला टाइट है ना। हाँ। उस करके बसेस के लिए कराई वाला सब बह गया था भाई, कुछ भी नहीं बचा, चदरें पड़ी हुई। और इनमें भाई जिस टाइम ये गिर रही थी उस टाइम लोग थे कि अंदर? नहीं लोग तो खाली करवा दिए थे सारे। अच्छा चलो ये भी ठीक है भाई, लोग नहीं थे। अब बताओ कहाँ चल रही है पार्वती नदी, पिन पार्वती ना? पिन पार्वती। हाँ पिन पार्वती। और अब देखो भाई ये बच गए, थोड़े ऊंचे थे हैं। हाँ जी। पर पानी तो इनके बराबर भी जा रहा था, इसके खारे लग गए थे सारे, देखो नए ढंग के लगे सारे। हाँ। इसके ये भी गिरने के घर पे थी बिल्डिंग, बहुत तबाही हुई थी भाई, सारे रास्ते इतने बड़े बड़े पत्थर आए भाई है। यहाँ पे आगे बस स्टैंड बन रहा था, पूरे जमीन अलॉट थी और बेंचिंग प्लांट था कंपनी का, वो सारा निकल गया। ये देख लो भाई
मतलब कुदरत के आगे भाई कुछ नहीं टिकता, सब बात ही। ये थाना है भाई इधर, और ये अपने हनुमान जी का मंदिर। ये सड़क थी नहीं जी कुछ भी, हम वहाँ पीछे से चले गए। हाँ, आज मंगलवार का दिन, वाह, जय बजरंग बली। बजरंग बली तो भाई अपनी पूरी कृपा रखते हैं भाई, उन्होंने प्रतिष्ठा करवाई पूरी। हाँ ना भाई, देख लो मंदिर कुछ नहीं हुआ। रोड वहाँ था देखो पहले, वो दिख रहे ये टेम्पररी बन रहा है, वो था रोड सिर्फ। बता भाई, ये ना भी देखो सीमेंट के दिख रहे हैं ना आपको पीसेस पड़े सारे बह गए तो। हाँ, ये बना था बस स्टैंड के लिए प्लेस। ये देखो सीमेंट का कितना का। लो जी आ गया डैम। कौन सा डैम है ये? ये सेंज वाला है, सेंज डैम। अच्छा, पिन पर इसी कुछ खास बात है क्या? इसका खास ये है, इसमें मिट्टी यूज हुई है, लाल मिट्टी वॉल्स में। अच्छा, कंक्रीट नहीं यूज हो रखा? कंक्रीट नहीं हो रखा है। अच्छा, फिर मिट्टी से कैसे टिक रहा भाई? गांव है ऊपर, मनम गांव है। अच्छा, वहां की मिट्टी, फॉरेनर्स की टीम आई थी उस टाइम, उन्होंने सेलेक्ट करी वो मिट्टी गांव की, फिर वो यूज हुई है। कौन से सन में बना थी ये? बना है जी अपना, बना तो लेट है, काम तो 2002 से शुरू हो गया। अभी हम देखने जाएंगे भाई पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण दो NHPC, इसकी भाई हमने ऑलरेडी परमिशन करवा रखी है। लो जी, द्वार खुल गए हैं, अब हम दर्शन करेंगे अंदर चल के। और इसका भाई शिलान्यास किया गया था श्री अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे माननीय जो उस टाइम प्रधानमंत्री थे। अच्छा, हम स्कूल से भागे थे सारे, स्कूल छोड़ के बंक करके। और रॉक बोल्टिंग कर रखी है देखो यहाँ पे भी। हाँ, इधर आ गया, अब आपको दिखाएंगे बिजली कैसे बनती है। ये देखो भाई पावर हाउस का मॉडल, कैसे पानी आता है, कैसे टरबाइन के ऊपर गिरता है ना पानी। आपको लाइव टरबाइन दिखाता हूँ, ये रही टरबाइन, 1, 2, 3, 4 आजकल बंद है। अच्छा, जो लास्ट फ्लड आया था उसके बाद बंद है। बहुत आवाज आ रही होती है अगर ये चल रही हो, यहाँ वाइब्रेशन इतनी हो जाती बहुत ज्यादा। अभी तो बंद है ना। हाँ भाई, मॉडल है, ऐसे टरबाइन घूमती है। स्कूल में पढ़ते थे ना, जब देखते थे मॉडल बनाते थे, ऐसे घूमती है टरबाइन, ये ऊपर वाला पार्ट। देखो भाई अंदर सिस्टम पे प्रॉपर परमानेंट मॉनिटरिंग चलती रहती है। देखिए ये है भाई टरबाइन, ये नोजल है, नोजल से प्रेशर जाता है यहाँ से पानी, ये नोजल दिख रहा है। हाँ जी सर, हाँ जी, इसका जेट जाता है पानी से नीचे गिरता है, फिर नीचे जाकर नदी में चला जाता है। नदी में चला गया भाई, आगे एक तरफ निकल गया। ये देखो टरबाइन, ये अभी मेंटेनेंस में, बाकी नॉर्मली कभी देखने को बहुत कम मिलता है। ये होती है भाई टरबाइन, आपको तो बस इतना ही दिखाऊंगा भाई, बाकी मैंने पूरा देख लिया, तसल्ली से देख लिया सारा। ये देख लो, ये वहाँ से पानी का प्रेशर पड़ता है, वहाँ से पानी का, और ये पूरी घूमती है, और ऐसे बाद में नदी की तरफ निकल जाता है। और आज तो बस ये मेंटेनेंस के लिए बंद है, इसलिए देख दिया, अदरवाइज ये दरवाज़ा पूरा ऐसे बंद रहता है। और ये ऐसे बंद नहीं है, इतने नट बोल्ट्स लगे रहते हैं भाई इस पर, पूरा सील पैक। अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट, मतलब ज़्यादा मैं आपको दिखा नहीं सकता, सिक्योरिटी रीजंस रहते हैं भाई, इतना ही देख लो भाई, बाकी परमिशन लेके आप देख सकते हैं। जहाँ से पानी आता है ये हाइड्रोलिक नीचे गिरेगा, और वहाँ से पानी जाना स्टार्ट हो जाएगा। टरबाइन के ऊपर वाला फ्लोर है भाई, जहाँ पे घूमती है, इसके ऊपर वाला फ्लोर दिखाते हैं। फाइनल फ्लोर भाई, जहाँ बिजली बनती है, और ये कूलर्स लगे हुए हैं, वहाँ लगे हुए हैं सेंसर्स, और फाइनली भाई यहाँ से बिजली बन के निकलती है। वो देखो चली गई ना, फिर ऐसे आपको बिजली मिलती है। तो भाई बड़ी मेहनत से बिजली बनती है, ऐसे बर्बाद मत किया करो, है ना भाई पूजा? हम तो वेस्ट करते हैं। हाँ, और वो जो वहाँ दिखाया था ना मैंने, ये देखो जो डोर, वहाँ से पानी आ रहा था, उस पहाड़ के अंदर भाई प्रोजेक्ट लगा हुआ है हिमाचल गवर्नमेंट का, तो वो 100 किलोवाट का है, और ये 800 किलोवाट का है। पत्थर आप देख रहे हो ना, पहाड़ ऐसा है नहीं, ये ऊपर से आके टिका हुआ है। ओ भाई साहब, शेर की जैसे मुंह रखा है इसका, क्या तबाही मचाई थी भाई उस टाइम पे। मतलब एक जगह नहीं थी भाई, जहां जहां से निकली वहीं तबाह होती करती चली गई है। अब जिस रोड पे हम चल रहे हैं, ये रोड तो बचा ही नहीं था भाई, वो देखो ऊपर वाला रोड भी खत्म था, है और ये भी खत्म, थोड़ा सा दोबारा काट के बनाया है भाई। पानी का फ्लो बहुत है भाई इधर, कॉटेज बना है, इसके अंदर भी पानी चला जाता सारा। ये देखो अभी टेम्परेरी बना रखे इन्होंने पुल से। ये देखो भाई, ये गवर्नमेंट ने ट्रॉलियां वहां लगा रखी हैं, अब तो ब्रिज तो टूट गए, तो यही एक तरीका है भाई। हाँ, अब यहाँ से रस्सी खींचेंगे मैडम, और ये बैठ गए तसल्ली से। ये देखो भाई, वो चले गए उस पार, रास्ता वो वहां से आ रहा है, मेन रास्ता ये था, खत्म पूरा, बचा ही नहीं। ये वैली ब्रिज नया बनाया, फिर एक और ब्रिज वहां बनाया, वहां से कनेक्ट उसको दोबारा वहां किया,
ये पहाड़ देख लो भाई, भाई क्या सिचुएशन रही होगी उस टाइम पे। टनल है, कौन सी भूत के टनल में ले आया भाई ये है? ये लास्ट निहारनी जाने वाली टनल है। ओ भाई, रात के टाइम में आए हम यहाँ पे, कोई लाइट नहीं है इसके अंदर, ऐसी टनल नहीं देखी होगी भाई आपने। ये वाली छोटी है, इससे आगे वाली बड़ी है। वाह, ये तो पुराने टाइम की है भाई, ओट टनल जैसी, उससे भी डरावनी है। तो भैया भालू चित्ता तो आ जाता होगा? आ जाते हैं सर्दियों में तो मैक्सिमम, उतर जाते हैं नीचे पानी वगैरह पीने। ये पार खिसकता हुआ आ रहा है भाई, ये पूरा पहाड़ भाई खिसकता खिसकता आ गया। और क्यों खिसक रहा है ये? नेचुरल है जी, इसका कोई कॉज नहीं है। अच्छा, पुराने बुजुर्ग ये कहते हैं कि वैसे खिसक रहा है, क्लिप रेशी कहते हैं इसको। भाई कुछ भी नहीं बचा अब, थोड़ी देर में पानी आना बंद हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से पानी आया करेगा फिर। तो ये रास्ता भाई लास्ट निहारनी जाता है, इसके बाद फिर चाकिंग रोड है लास्ट, जहाँ गाड़ी के कोई भी नहीं है, बिजली कोई नहीं है, लाइट कुछ नहीं है, पैदल रास्ता है सारा। मतलब 18 किलोमीटर का पैदल रास्ता, उसके बाद कुछ नहीं, वहाँ तक आज तक गवर्नमेंट ने बिजली तक भी नहीं बचाई, तो यूँ कहले एक तरीके से वहाँ हमारे ट्राइबल्स ही रह रहे हैं भाई। ये देखो भाई, अब तो लाइट्स लगी, मेरे लाइट्स नहीं थी इनमें, अंधेरी थी। अच्छा, और कंक्रीट कर दिया और कच्ची थी पूरी, जंप से जंप तो लोग यहाँ से आते नहीं, कोई लोग दिखता ही नहीं, चादर लगी ना जी ऊपर, ये पानी लीक होता है तो इसलिए चादर लगाई है। अच्छा, पानी सीधा ना टपके। और कितनी लंबी है भाई ये? बस है थोड़ी लंबी, ये वाली ज्यादा लंबी है पहले वाली से। ओ भाई साहब, तो ये स्पेशल गवर्नमेंट ने पानी के लिए पहले बना दी। हाँ जी, पानी के लिए भी है। और कितने साल पहले बनी थी ये? इसको हो गई जी 7-8 साल हो गए इसको। ओके, फुल ड्रावनी है भाई। और एक बार कभी यहाँ से बाइक पे आ रहा था, क्या टकरा था? लेपर्ड, लेपर्ड था उस दिन। वाह बहुत बढ़िया, मार ली उठन या कुछ और भी डराएगा। यहाँ से भाई रास्ता हो जाता है बिल्कुल खत्म, आगे कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ से 18 किलोमीटर वो पैदल चल के जाते हैं। एक स्टॉप आएगा बीच में, बाहर जगह आएगी फर्स्ट, उसके बाद शुगाड़ आएगा, फिर शक्ति, फिर लास्ट मरौड़ है। तो मतलब उन लोगों ने आज तक भी नहीं कहा कि हमारे लिए रास्ता बना के दो, ये सब करते हैं, डिमांड करते हैं, फिर नहीं होता प्रपोजल। नेशनल पार्क है, वर्ल्ड हेरिटेज है, उस करके डिले। अच्छा, आज के वीडियो में ना भाई क्या क्या चीजें देख लिया हमने, है मतलब हम जीबी से निकले थे, जीबी देखा, जीबी का ट्रैफिक देखा, उसके बाद हम सेंज पहुंचे, सेंज के बाद हमने सारा वहाँ तबाही देखी क्या है क्या नहीं, फिर हमने पावर हाउस देखा, फिर ये ऐसी भूतिया सी टनल देखी, अब ये लास्ट विलेज देख लिया जिसके बाद रास्ता ही नहीं है। वाह, कैसा लगा आज का एडवेंचर? मजा आया? फुल मजेदार था भाई, फुल ऑफ एडवेंचर, स्केरी तो था, थोड़ा सा और दिन होता ना तो आपको और बहुत सारी चीजें हम दिखाते। हाँ इसमें आ जाता है, जब कुछ नहीं पूछा, जंगल है, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है भाई। तो गाड़ी भी उनका हमारी है, कोई गाड़ी नहीं मिली। हाँ गाड़ी कोई नहीं मिली, हम ही आ रहे थे और हम ही जाएंगे अकेले। चले विराज जी, डर नहीं लग रहा? लग रहा, डर लग रहा भाई, चलो बगलो फटाफट। भाई वापिस पहुंचते ना, मतलब ऐसा होगा था कि बस खाना मिल जाए, और ऐसा टेस्टी खाना भाई आप खाओगे ना, खाते रह जाओगे, है ना। खाने के मामले में ना भाई इस ट्रिप में ना हम बहुत लकी रहे। ये लगता है ना कि आज बाहर का नहीं खाना, घर का खाना। दिन में आंटी ने हमारे को बहुत बढ़िया खाना खिलाया, अब भाई साहब ने बहुत बढ़िया खिलाया, भाई साहब बहुत टेस्टी खाना बनाया है। जैसे वीडियो मैंने बता ही दिया था कि हम आशीर्वाद होम स्टे में रुके, लाइटिंग आप पीछे देख रहे हो बहुत बढ़िया, मतलब दो कोटेज इधर बना रखे हैं, उधर अभी बनने लग रहे हैं। खाना खा लूँ पहले, फिर आपको बाकी सारी डिटेल दूंगा। खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, मैं खाता नहीं हूँ मिक्स वेज, मैंने भी डाल रखी मिक्स वेज आज। भाई ऐसे होम स्टे की फीलिंग या तो नितिन भाई के पास आती है, आज मिली है ना, मतलब पूरी होटल वाली फीलिंग है। कैसा है गुलाब जामुन? बहुत बढ़िया, खाया है नहीं अभी, बहुत बढ़िया, देखने में अच्छा। हाँ नहीं मतलब बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन अच्छी है, ठीक बात है। कैसा है? ठीक है, पहले बहुत बढ़िया लग रहा था देखने में, अब अच्छा लग रहा है खाने में। लो भाई मेरा नंबर भी लग गया, पूरा बाइट ले लिया। ओ खा लो बेटा, खा लो पूरा बाइट।